राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक सुरेश मिश्रा जयपुर के पूर्व जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा के साथ सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। सुरेश मिश्रा ने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तो मैं काफी तंग आ गया था। जिस तरह से कांग्रेस सनातन के खिलाफ बयान जारी कर रही है और ब्राह्मणों की हत्या हो रही है उससे मैं काफी परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि जयपुर में रामगंज हत्याकांड के दौरान 50 लाख रुपए का चेक दिया गया जो दुष्टीकरण की नीति को साबित करता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे दिल ने इसे स्वीकार नहीं किया। पुष्कर विधानसभा सीट से नमीन अख्तर को टिकट देने पर कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया। पूर्व विधायक डॉक्टर श्रीगोपाल बाहेती ने AICC और PCC से टिकट बदलने की मांग की है। उन्होंने साफ किया कि टिकट नहीं बदले जाएंगे तो कार्यकर्ताओं और जनता की सलाह पर वे चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर बाहेती साल 2003 में विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस से PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर को लगातार तीसरी बार पुष्कर से प्रत्याशी बनाया गया है। वे 2013 और 2018 में भाजपा प्रत्याशी सुरेश रावत से चुनाव हार चुकी है। डॉक्टर बाहेती ने इसको लेकर विरोध भी जताया है। आपको बता दें कि सचिन पायलट को विधानसभा चुनाव के पहले काफी बड़ा झटका लगा है। सचिन पायलट के करीबी ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, भाजपा में शामिल हो गए हैं। सचिन पायलट के काफी करीबी समर्थक सुरेश मिश्रा ने भाजपा में ज्वाइनिंग कर ली है, कांग्रेस को छोड़ दिया है। उनका बयान ये है कि जो कांग्रेस है उसके बयान की वजह से वो काफी परेशान रहते हैं। वो हिंदुत्व के खिलाफ काफी कुछ कहता है कांग्रेस, जिससे मैं काफी परेशान हूँ। और ब्राह्मणों की जिस तरीके से हत्या हो रही है उससे भी मैं काफी परेशान हूँ, मुझे काफी आहत हुआ है। इसके बावजूद भी कांग्रेस जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है और मैं इस चीज से काफी परेशान हो गया। अंततः मुझे कांग्रेस छोड़ने तक मजबूर होना पड़ा और मैं BJP में शामिल हो गया। जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर BJP में शामिल सचिन पायलट के जो करीबी हुए हैं उसके बाद से उनका जो बयान आया है, इससे जो सियासी गलियारे हैं उसमें हड़कंप मच गई है। उनके बयान के बाद से ये नजर आता है कि जो कांग्रेस है वो एक तरफा चुनाव और एक तरफा जो दाव है वो चलती है और कहीं ना कहीं सनातन को वो कांग्रेस जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। इसी वजह से इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं और अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि BJP को इसका फ़ायदा भी हो। हालांकि BJP बार बार यही कहती है कि कांग्रेस जो है वो सनातन को खत्म करना चाहती है, कांग्रेस के लिए सनातन धर्म जो है वो कोई धर्म नहीं है। लेकिन अब जैसे ही सचिन पायलट के करीबी ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, भाजपा में शामिल हो गए हैं, उसके बाद से इस बात में और भी सच्चाई, इस बात पर और भी ज़्यादा रोशनी पड़ती नज़र आ रही है। और उनका बयान भी यही आया है कि कांग्रेस के जो नेता है वो बार बार सनातन धर्म को नहीं मानते हैं और बार बार इस धर्म के खिलाफ ही बोलते हैं। और जिस तरीके से ब्राह्मणों की भी हत्या हो रही है उस वजह से भी मैं काफ़ी आहत हुआ हूँ। अब देखना ये होगा कि इस पर सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता क्या कुछ कहते नजर आते हैं और इसका असर कितना विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस को पड़ता है।